धनखड़ गोरखपुर दौरे पर रहे, यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्वांचल में बने पहले सैनिक स्कूल का उन्होंने शुभारंभ किया और इस दौरान गजब यूनिफॉर्म में दिखाई दिए सीएम योगी। पिस्टल राइफल से निशाना साधते नजर आए। सैनिक स्कूल के कैंपस में दोनों लोगों ने पौधारोपण भी किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे गोरखपुर की। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्य बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है, तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है, और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ है और 10 की 10 सीटें एनडीए जीतेगी।